वो एक ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स एक मॉडल डिजाइन करके हमें दे देती हैं बाय अप्लाइंग सम स्पेसिफिक एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम जो है जो हम अप्लाई करके एक मॉडल हमें क्रिएट करके देती है, जिसको मैथमेटिकल फंक्शन भी कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं, और वो हमें प्रिडिक्ट करके देती है वो वैल्यू जो ऑलरेडी हम उसको नहीं दी होती। मशीन लर्निंग की वैसे थ्री टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। आप कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसमें आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, यार इस ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन दो। आप उस प्रॉब्लम का वो सलूशन ढूंढते हैं, फिर उसमें इनपुट इनपुट से टेस्टिंग करते हैं, देन उसकी आउटपुट वैलिड होती नहीं होती। बट मशीन लर्निंग इज डिफरेंट जी। वो जो आपका जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलपर ने जो प्रोग्राम बनाना था, मशीन लर्निंग क्या थी? नथिंग दैट। आप मुझे डेटा बताएं, डेटा कौन सा है और वो टारगेट वैल्यू कौन सी चाहिए, प्रोग्राम मैं आपको बना कर देता हूं। ये लॉजिक है मशीन लर्निंग के बिहाइंड। आप मुझे बताएं डेटा कौन सा आपका, आपको आउटपुट कौन सी चाहिए, और उसके अगेंस्ट उस डाटा जो आप इनपुट के तौर पर जो डाटा देते हैं, इसको हम डाटा सेट कहते हैं। इस डाटा सेट की बेस पे हमें टारगेट वैल्यू भी दी होती है कि ये इनपुट है तो ये आउटपुट चाहिए, ये इनपुट है ये आउटपुट चाहिए। मशीन लर्निंग के जरिए एक मैथमेटिकल सी इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट हो जाता है। कभी आपने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल पढ़ा होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उस एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, X1, X2, X3, X4 है, तो आपको मल्टीपल एम क्रिएट करने पड़ते हैं और वन सी क्रिएट करना पड़ता है, मल्टीपल स्लोप्स। मशीन लर्निंग क्या करती है, आपको जो डेटा आपने उसको प्रोवाइड किया होता है, जिसको हम डेटा सेट कहते हैं, एक्चुअली वो स्पेसिफिक वेरिएबल, जैसे चार वेरिएबल्स हमने जो क्लाउड वाले किए थे, एंड पे उसका लेवल चाहिए था, लेवल लो है, लेवल मीडियम है, लेवल हाई है, जो आउटपुट भी हमें दे दी, हमने डाटा पहले उसको दे दिया। अब ये वाला जो मॉडल यूज करते हुए मुझे जो स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज करते हुए मुझे एक मॉडल क्रिएट कर देगा, जहां पर रिव्यू करें नॉन डाटा और नॉन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन टारगेट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू। नॉन डाटा कौन सा था? जो हमने रूल्स बनाए हुए थे, रूल्स बनाए हमने, एक्चुअली वो रूल्स ऑलरेडी वो डाटा था हमारा, बने पड़े हैं, हमें वो टारगेट वैल्यू भी उसकी पता है। हम चाहते हैं कि हम एक मॉडल बना दें और उसके बाद जो हम उसमें एक वैल्यू, न्यू वैल्यू, जो पहले से उसको नहीं व्यू करवाई, न्यू वैल्यूज में एंटर करें, वो हमें आउटपुट दे दे, वैल्यूज प्रिडिक्ट करके हमें प्रोवाइड कर दे। यहां पर हमने नॉन डाटा नॉन रिस्पॉन्स दे दी, मॉडल क्रिएट हो गया जी मशीन लर्निंग की मदद से। अब इस मॉडल में न्यू डाटा हम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी डाटा उसको जहां इस डाटा में से नहीं था, न्यू डाटा अननोन डाटा है उस मॉडल में दे रहे हैं। उस मॉडल की बेस पे फिर न्यू जो आपको रिस्पॉन्स देता है, प्रिडिक्शन करके दे देता है, अच्छा इस डाटा की बेस पे ये आउटपुट होगी, और अप्रोक्सीमेटली अब उसकी एक्यूरेसी जो डिपेंड करती है डाटे पे, 80% है, 70% है, 90%, 99% है, और नॉर्मली वो एक्यूरेट वैल्यू देती हैं। तो क्योंकि मशीन ने डिसीजन लेना होता है, मशीन ने प्रिडिक्शन करनी होती है, इसलिए वो 10-12% की एक्यूरेसी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा ट्रेंड हुआ है। और इसमें जो मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग कि दो दो कैटेगरीज हैं, देर आर टू कैटेगरीज, वन इज क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज रिग्रेशन। अब आपकी जो प्रॉब्लम थे उसमें ज्यादा क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम थे, सिक्योरिटी लेवल लो है, मीडियम में हाई है,
तो वहां पर क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम अप्लाई होंगे, क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, और उसके लिए जो अल्गोरिदम अप्लाई होंगे वो क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम अप्लाई होंगे। अब एक और भी है ये क्लासिफिकेशन का, इसके छोटे से एग्जांपल नॉर्मली मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें एप्पल है, येलो मेलन है, वाटरमेलन है, तीन तीन हमने फ्रूट्स दे दिए। चलें साथ उसके एप्पल के साथ आप ऑरेंज ले लें, ऑरेंज ले लें, एप्पल ऑरेंज येलो मेलन तीन तीन ले लें, क्योंकि एप्पल का और ऑरेंज का साइज तकरीबन सेम होता है। अब साथ हम हमारे पास 1000 के तीन हमने सेट ले लिए, साथ उसको बता दिया जी एप्पल है और ये हमारे पास ऑरेंज है और ये येलो मेलन है, हमने वो डाटा मशीन को दे दिया, मशीन ने ट्रेन करके एक मॉडल क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने एक फ्रूट उसको दिया है इन तीनों में से, उसने बता दिया जी एप्पल है, अगर हमने एप्पल दिया है, ये क्या है क्लासिफिकेशन कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का है, प्राइसेस का है कि आइंदा 10 दिन में प्राइस क्या होगी। इस तरह के मॉडल जो है वो रिग्रेशन मॉडल है कंटिन्यूस डाटा के लिए, कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज होता है रिग्रेशन, और क्लासिफिकेशन के लिए जो जो हमें क्लासिफाई करना आता है क्लासिफिकेशन हमने यूज करते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जिसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन करने होती है। पहला प्रिपेयर डाटा, डाटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है कि डेटा जो सेट हमें दिया जाता है उसमें कोई खाली वैल्यू तो नहीं है, उसमें कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू तो नहीं है, उसमें कोई इरेलीवेंट वैल्यू तो नहीं है, जिसको हम नॉइजी डेटा कहते हैं। वो हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कहलाता है। सम टाइम डेटा हमें प्री प्रोसेस्ड फॉर्म में मिल जाता है, फिर हमने एक अल्गोरिदम चूज करना होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम, डिसीजन ट्री अल्गोरिदम, स्पोर्ट वेक्टर मशीन अल्गोरिदम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अल्गोरिदम, के नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदम, देयर आर मेनी अल्गोरिदम्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हमने चूज करना है अल्गोरिदम को। जब अल्गोरिदम चूज कर लिया, उसने हमें एक मॉडल किया, मॉडल फिट कर लेते हैं, देन हम कुछ वैल्यू से उसको वैलिडेट भी कर लेते हैं, कुछ वैल्यू बाद में वैलिडेशंस के लिए, देन एग्जामिन करना है फिट एंड अपडेट, यूनिट सेटिस्फाइड एंड पे जो हमारे पास है मॉडल उसको हम प्रेडिक्शंस के लिए यूज कर लेते हैं। ये कुछ एल्गोरिथम दिए हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ट्री है, रिग्रेशन ट्री है, डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस है, के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिथम है, ने बाइज एल्गोरिथम है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम है, ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन फॉर क्लासिफिकेशन, स्पोर्ट वेक्टर मशीन फॉर रिग्रेशन, मल्टी क्लास मॉडल फॉर एसवीएम है, क्लासिफिकेशन एसेंशियल है, इसे इनसैम्पल है, रिग्रेशन इनसैम्पल्स है, क्लासिफिकेशन फॉर रिग्रेशन ट्री इनसैम्पल। देर आर सम एल्गोरिथम, देर आर मोर, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है जिसमें आई थिंक नहीं दिया हुआ। ये सारे के सारे एल्गोरिदम जो है वो मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कोई सा एल्गोरिदम, चल मैं सारे एल्गोरिदम बताता हूं कैसे आपने यूज करने हैं और डाटा कैसे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले आपके पास एक डाटा सेट होना चाहिए। सर आपने डाटा सेट मुझे सेंड किया था जी, गुजार किया था सर, वो डेटा सेट में उसी पे अप्लाई करके देख लें। अगर स्टूडेंट भैया इकरा इधर है क्लास में? जी सर। ठीक है, वो मुझे सर व्हाट्सएप कर दें अगर, या मेल से डाउनलोड करूं उसको? मेल से डाउनलोड कर लें।
ये किसका स्केड्यूल सर? यही है, ये तो ये हो रहा है नीचे वाले थर्ड वाली फॉरवर्ड डेटा सेट। ये डेटा सेट है जो आपने मुझे प्रोवाइड किया सर, इसमें हमने हमारे पास एक सेट का इनपुट वेरिएबल है, एनएचएम वेरिएबल है, पीआई पीसी 09 वेरिएबल है, पीसीडी, देयर आर सम वेरिएबल्स, और एंड पे जो हमें दिया गया वो क्लास है। एक्चुअली जी जो वैल्यूज हमने वहां पर फजी में यूज की थी वो हमारे पास एक्चुअली वो बनता था नॉलेज बेस, और हमें ये वैल्यूज वैसे हर पॉसिबल वैल्यूज पे दिया हुआ है तो हमारे पास ये डेटा सेट बन जाता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास 10 इनपुट वेरिएबल्स हैं, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं था, और एंड पे क्लास दी हुई है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। तो आप इससे मुझे बताएगा जी प्रॉब्लम पे रिग्रेशन हम अप्लाई करेंगे मॉडल एल्गोरिथम या क्लासिफिकेशन, वो रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन कौन सा अप्लाई होगा? एनीवन? क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगी, रिग्रेशन कह रहा है, क्लासिफिकेशन कह रहा है, डिसाइड कर लो क्योंकि हम एग्जैक्ट मैपिंग नहीं कर रहे हैं, हम रेंज में एक आंसर दे रहे हैं। कौन कर देगा पहले निकले ओ कौन सी मुझे पता नहीं, मैं दे ओदा भाई है ना, मैं तो फोन आया ओने जाने अपने फौरन जना चोरन फोन किया आवाज आई नजर माइक ऑफ कर हूं, अंदर चोर निकले है ना, आप कर दें फोन के वापस ले आके दे सर, आप कर दें जी बताएं बताएं प्लीज कौन सा प्रॉब्लम अप्लाई होगा इस पे? रिग्रेशन, क्योंकि हम लोग जी आन ऑन नकवी जो है वो उस पे कह रहे हैं रिग्रेशन, कोई और? मेरे ख्याल से भी रिग्रेशन होगी, आपके ख्याल से भी रिग्रेशन होगा, कोई और? ये क्लासिफिकेशन होगा सर, क्लासिफिकेशन सर, क्लासिफिकेशन होगा। माज कह रहा है क्लासिफिकेशन, वजीह हुसैन कह रहा है कि क्लासिफिकेशन, जो तो बच्चे अच्छा क्लासिफिकेशन क्यों है, रिग्रेशन क्यों को बताएगा मुझे, पहले क्लासिफिकेशन वाले बताएं मुझे। तो ये डेटा की आउटपुट जो है वो क्लासेस में डिवाइड है, इनपुट के अगेंस्ट ये क्लास बिल्कुल वही जो बता रहे हैं कि हमें जो क्लास है, ये क्लास सपोज क्लास थी लो क्लास थी 1 कह दिया, मीडियम क्लास थी उसको हमने 2 कह दिया, हाई क्लास थी 3 कह दिया, ये क्लासिफिकेशन है आउटपुट। अगर हमें इसकी आउटपुट दी होती पॉइंट्स में दी होती, कंटिन्यूस फॉर्म में दी होती, देन इस पे रिग्रेशन डेटा अप्लाई होता, रिग्रेशन एल्गोरिथम। हमने टारगेट वैल्यू को चेक करना है, टारगेट हमारी क्लासेस में है या रिग्रेशन कंटिन्यूस फॉर्म में है। सपोज जहां पर अगर दिया जाता है कोई प्राइस दी होती तो प्राइस कम ज्यादा हो रही होती थी, कौन से डिफरेंट फैक्टर थे जो इफेक्ट कर रहे थे प्राइस को, कम ज्यादा प्राइस जो है कोई पॉइंट्स में वो कम होनी थी, ज्यादा होने पॉइंट्स में भी आ सकती थी, तो वो रिग्रेशन अप्लाई होनी थी। जैसे वक्त के साथ साथ प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, उसके जो डिफरेंट पैरामीटर हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हैं या उसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस, वो सारे के फैक्टर वो एड होते हैं, देन वो हमारे पास प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है।
ये हमारे पास रिग्रेशन का प्रॉब्लम बन जाना था अगर ये हमें आउटपुट वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती। अब तीन ही तो क्लासे हैं, क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है। सो इट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हम इसी पे अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग। सबसे पहले हमने एप्स एप्स पे जाएंगे, जहां पर देखें जरा मशीन लर्निंग की ऑप्शन आई कहीं पर, कहीं पर दिस वन क्लासिफिकेशन लर्नर, इसको ओपन करना आपने। ये मशीन लर्निंग क्या बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन लर्नर क्लिक करेंगे क्लासिफिकेशन लर्नर को। क्लासिफिकेशन लर्नर को हमने क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि न्यू सेशन हमने क्रिएट करना है, हमें तो कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, डाटा इंपोर्ट करना है। होम पे जाएंगे, इंपोर्ट डाटा। डाटा कहां पर अवेलेबल है, हमने भी जो रखा था डाटा जहां पर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे एफ में, एफ में डाटा हमारे पास है दिस वन। थोड़ा सा वेट करना करवाएगा हमें जी, ये डाटा से इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है हमें। इंपोर्ट सिलेक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया डाटा। जी इंपोर्ट होकर डाटा कहां पर आएगा, ये हमारे पास इंपोर्ट होकर डाटा आ गया, जिसमें यार व्यू करें जो ये डाटा नेम था, हमारे पास वैल्यूज हैं और उसका टेबल के फॉर्मेट है। जहां पर भी क्लासिफिकेशन लर्नर लिखकर देखे ना, क्लासिफिकेशन लर्नर हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया क्लासिफिकेशन लर्नर में। न्यू सेशन